ज्ञान वापी मस्जिद विवाद पर राजनीतिक ध्रुवीकरण तेज होता जा रहा है और पार्टियां एक दूसरे पर हमले कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर तीखा तंज किया है। उन्होंने कांग्रेस को भी नहीं बख्शा है। मौर्य ने ऐसा करते समय दिवंगत समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया को उद्धृत किया है। यूपी के उप मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, अयोध्या, काशी व मथुरा का नाम सुनते ही सपा का मन कसैला हो जाता है, कांग्रेस को सांप सूंघ जाता है। जबकि समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि राम कर्म, कृष्ण हृदय और शिव इस देश के मस्तिष्क हैं। याद दिला दें कि पिछले विधानसभा चुनाव के समय भी मौर्य ने इसी तरह मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, शाही ईदगाह मस्जिद के मुद्दे पर विवादास्पद टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, अयोध्या, काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। दरअसल इस समय वाराणसी के ज्ञान वापी मस्जिद का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। ये मामला अदालत में है। वाराणसी की अदालत के निर्देश पर मस्जिद का सर्वे भी हुआ और दावा किया गया कि वहाँ शिवलिंग मिला है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला जिला जज के पास भेज दिया है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि हिंदू धर्म में तो ये है कि कहीं भी एक पत्थर रख दो, एक लाल झंडा लगा दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। इस पर बीजेपी प्रवक्ता सहसाद पूनावाला ने उन पर तीखा हमला बोला था और समाजवादी पार्टी यानी SP को संविधान पापी बताया था। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य की यह टिप्पणी बहुत ही महत्वपूर्ण है।